Vivekananda Swami, he's talking to the audience that you work so hard, why you give credit to God? So, कोई कोई बोलते हैं हाँ इतना परिश्रम कर रहे हैं तो भगवान को क्रेडिट देना क्या जरूरत है. तो हम सुना था भगवद गीता में 49 नंबर श्लोक में, हे धनंजय भक्ति के द्वारा समस्त घृणित कर्म से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो. जो व्यक्ति आपने सकाम कर्म फल को भोगना चाहता है वो कृपा है. हाँ तुम खुद ने किया तुम भोग करो, भगवान को देना क्या जरूरत है. तो जो व्यक्ति आपने सकाम कर्म फल का भोगना चाहता है वो कृपा है. तो अभी भगवद गीता में कृष्ण क्या उपदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहा है बुद्धि योग. बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग, कर्म योग, शंकर योग, भक्ति बुद्धि योग अर्थात जो बुद्धि के द्वारा कृष्ण भक्ति कर सकते. तो बुद्धि के द्वारा एक कौन सा बुद्धि है, कृष्ण भक्ति का बुद्धि. ये बुद्धि के द्वारा क्या हो सकते हैं, बुद्धि युक्त जहाति इह उभे सुकृत दुष्यंत. ये बुद्धि के द्वारा युक्त होकर अर्थात भक्ति के द्वारा, बुद्धि युक्त अर्थात भक्ति के द्वारा जहाति इह, जहाति अर्थात मुक्त हो सकता. तो ये दुनिया का कैसे मुक्त हो सकता है, उभे सुकृति दुष्कृति, सुकृति और दुष्कृति, अच्छे बुरे दोनों से मुक्त हो सकते. अच्छे भी अच्छा नहीं है, अच्छा बुरे, अच्छा भी बुरे तो बुरे ही है, अच्छा भी बुरे ही है. भौतिक जगत में अच्छा बुरे दोनों ही बुरे हैं. जिस तरह मान लीजिए कोई अच्छा कर्म किया है, ये अच्छा कर्म करने स्वर्ग में गया है, तो स्वर्ग में रहना पड़ेगा, उसके बाद फिर इधर में आना पड़ेगा. तो इस तरह अच्छा कर्म को नहीं करना चाहिए था जिसके लिए स्वर्ग में चले गया. वो अच्छा कर्म करने से स्वर्ग में गया, फिर लौट के आना पड़ेगा. उसी तरह किसी को अच्छा कर्म किया है, आप हाँ आप किसी को दान दिया है अच्छा कर्म, तो दान लेने के लिए फिर दूसरा वो जन्म ग्रहण करना लेने के लिए. तो अच्छा बुरे दोनों ही बुरे हैं, सबसे अच्छा कृष्ण के लिए कर्म करना. तो उभे सुकृति दुष्कृत दोनों को त्याग देना चाहिए. कैसे, बुद्धि युक्त भगवत भक्ति के द्वारा जो दोनों का हम उभे दुष्कृति. तो ये जो कौन सा बुरा है कौन सा अच्छा है, दोनों को बुरे को त्याग सभी त्याग देना चाहता है, अच्छाई को त्याग देना चाहिए. कैसे, बुद्धि युक्त. इसलिए तस्मात जोगाय जुच्छ, इसीलिए तुम क्या करोगे, जोगायो, जोगाय अर्थात भक्ति के लिए जुज्जस्व, इस तरह लग जाओ युद्ध कर. योग कर्म से कौशलम, इसका कर्म से कौशलम, कौशल अर्थात टेक्निक, कुशलता. तो कर्म करने का कुशलता बताए, और योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कार्य कौशल ही है. कैसे कुशलता से कर सकते, उसका टेक्निक है कैसे सारे काम हाँ कृष्ण के लिए करते. जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरी कर्मों के फलों को संचित करते रहता है. फल तो निश्चय अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बन रहा है. इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है. यह हमें पूर्ण रूप में भगवान कृष्ण के शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्मफल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है. अतः अर्जुन को कृष्ण भवनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्मफल के शुद्ध होने के यही प्रत्यय. ये जो बुद्धि तो अर्थात कृष्ण भक्ति के द्वारा हम अच्छे बुरे दोनों से मुक्त हो सकते. तो कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषी न. जब इस तरह बहुत डिफिकल्ट चीज कठिन चीज आता है तब उदाहरण देना जरूरत होता है. और इस तरह हो सकते क्या, अच्छा चीज सोच सकते क्या, हाँ क्यों नहीं सोच सकते. एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल है. हाँ
मनीषी ना बहुत बहुत मनीषी, इसके एक उदाहरण है। कर्मजन बुद्धि युक्ति फलम त्यक्ता मनीषी ना, इस तरह फल को कर्म फल को त्याग किया था। कर्मजम सकम कर्म के जी बुद्धि के बुद्धिजुग के द्वारा सकम कर्म का फल बहुत बहुत मनीषी में यह मुक्त है मनीषी न। और इस सकम कर्म का फल क्या है? जन्म बंध। सकम कर्म का फल है जन्म, जन्म मृत्यु जरा भी। लेकिन बुद्धि योग भक्ति योग के द्वारा क्या होता है, ये कर्म फल से मुक्त हुआ था बहुत मनुष्य, और उसके कारण जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त होगा। कहा गया था पदम गच्छन्ति, पदम अर्थात भगवान का चरण बनता, और जहां जाने से आना नहीं पड़ते। अनामयम शब्द आता है अमय अर्थात कष्ट। हाँ, अमय शब्द का कष्ट, ये शब्द किसने सुना पहले? अमय शब्द आता है कष्ट है, किसने सुना पहले? सब ने सुना है, ध्यान दिया नहीं? इसे बोला निरामय हो गया, विमर्शी के आदमी निरामय हो गया। तो अमय शब्द अर्थ क्या है? अमय शब्द कष्ट है, बीमारी है। तो यह अर्थ क्या है? पदम गच्छति अनामयम, तू भगवान का चरण कमल प्राप्त होते पहुंचते है अनामयम बिना कष्ट से। तो यह कितना अच्छा उदाहरण है। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण, ये मुनि सुन शब्द का प्रभाव लगते, बड़े बड़े मुनि अथवा भक्तगण, ऋषि भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फल से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुख से परे है। तो यह ये बात केवल भगवत गीता नहीं है, श्रीमद् भागवत में भी बहुत एक विख्यात श्लोक आता है। मुक्त जीव का संबंध स्थान, मुक्त जीवो का संबंध उस स्थान से होता है जब भौतिक कष्ट नहीं हो। इसका दशम स्कंद बहुत अच्छा श्लोक आता है। ये श्लोक बहुत भक्तों का याद है। समस्त पाद पल्लव प्लवंग महत् पदंग पुण्य जश मुरारे भवाम्बुधिर वत्स पदंग परंग पदंग 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 जद विपदंग नतिशम। ये श्लोक आप थोड़ा कोशिश करने का, याद करने कोशिश करें, बहुत सरल श्लोक है। आश्रय तो जानते हैं, आश्रय अर्थात आश्रय करना, तो समाश्रय अर्थात सम्यक कृपा आश्रय करना अर्थात शरणागत होना। तो समाश्रित शब्द था जिसको सही ढंग से आश्रय लेना अर्थात शरणागत होना। ये जो लोग, ये तो जानते हैं, ये लोग शरणागत होता है किसका? पदपल्लव। पदपल्लव शब्द अर्थ क्या? पल्लव शब्द कमल का पंखुड़ी है। तो भगवान का चरण किसके द्वारा है? कमल के द्वारा है। तो कमल का पंखुड़ी है, तो पदपल्लव अर्थात भगवान का चरण कमल। और उसको तुलना दे किसके साथ दिया? प्लवंग, प्लवंग नौका, नाव के साथ तुलना दी। तो भगवान का चरण कमल है एक नाव के तरह है। जिन्होंने भगवान का चरण कमल रूप नाव में जिन्हें आश्रय लिया है, वो नाव क्या है? महत्पदम। महत्पदम अर्थात संपूर्ण जगत की, जगत का आश्रय ले सकते। वो नाव इतना बड़ा है, पूरा दुनिया आश्रय ले सकते। वो इतना बड़ा पेड़ है उनका। हाँ, पुण्य जश मुरारे, मुरारी मुरारे मूर नामक असुर को कृष्ण ने वध किया, इसलिए कृष्ण का मुरारी। तो पुण्य जश, जिसका जश, जो कृष्ण का जश अनंत है, उनका चरण कमल महत् पद इतना बड़ा पाव है। तो उनका जितना लाखों करोड़ जितना जीव शरण ले सकते। तो इस तरह जो भगवान का चरण कमल एक सरल शब्द में है, जिन्होंने भगवान चरण कमल का शरण लिया है, बस ये सरल बात है। समस्ता जे पाद पल्लव प्लव महत्पदम पुण्य जशम। इसका कारण का अर्थ है, जिन्होंने भगवान का चरण कमल रूप नाव में पूर्ण रूप में शरण लिया है, तो उनको बाय भवाम्बुधिर वत्स पदम। भवाम्बुधि भौतिक सागर क्या बन जाता है? वत्स पदम होता है। वत्स पदम
बछड़ा तो बछरा, बछड़ा का पैर क्या है आप देख सकते हैं, जब बारिश होता है मिट्टी कीचड़ बनता है तो बछड़ा जब घूमते हैं बछड़ा का पैर में थोड़ा गड्ढा बन जाता है, और गड्ढा फिर बारिश होता है गड्ढा में पानी जम जाता है। तो जो गड्ढे में पानी जमता है वो पानी में लांगना के कठिन काम होगा, बछड़ा का खुर में जो पानी जम गया उसको लांगना के कठिन काम है। तो भक्त जिन्होंने भगवान का चरण को शरण लिया है उनका बाद भवसागर बच्छपदम बन जाता है, भवाम्बुधि बच्छपदम। ये भवसागर उनके पास कितना छोटा बन जाता है, बछड़ा का खुर से बना हुआ जो गड्ढा है उतना बन जाता है। लेकिन ये जो भौतिक जगत इतना खतरनाक है, पदम पदम जत विपदम, हर पदक्षेप में विपद है। एक भौतिक दुनिया में आदमी सोचा हाँ कोरोना खत्म हो गया, अभी बोला नहीं थर्ड वेव आ गया, और भी जो वैक्सीन ले रहा है उनका भी कोरोना हो रहा है। तो हर पदक्षेप में पदम पदम जत विपदम, लेकिन न तेषाम, उनको व्यक्ति को नहीं, तेषाम अर्थात उन व्यक्ति, कौन व्यक्ति का, जे जे जो व्यक्ति शरण लिया है, जेशाम तेषाम, जो व्यक्ति शरण लिया है उनका नहीं। जो व्यक्ति समस्त पादपल्लव अपलव, जो व्यक्ति भगवान के चरण को समस्या किया है ना तेषाम, वो व्यक्ति के लिए ये भौतिक जगत और विपद का जाकर दृश्य जगत के आश्रय एवं मूर राक्षस के शत्रु मुरारी के नाम में प्रसिद्ध भगवान के चरण कमल की नाव को जिन्होंने स्वीकार किया है उनके लिए यह भवसागर बसरा के खुर चिन्ह में भरे जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पदम अर्थात वैकुंठ होता है, जहां भौतिक विपदाओं का नाम निशाना नहीं होता, नहीं पग पग पर कोई संकट होता है। यह जो भगवत गीता में कहता है कि भगवत भक्ति जो कृष्ण भक्ति जो ग्रहण किया है उनके लिए जन्म बंध विनिमुक्ता बहुत आसानी है, इसका भागवत से भी ये प्रमाण मिलता है। हाँ जो यद्यपि भगवत भौतिक जगत बहुत कष्ट का है, लेकिन भगवान का चरण कमल जो ग्रहण किया है और बुद्धि योग भक्ति योग जो ग्रहण किया है उनके लिए कोई समस्या नहीं। अज्ञान वश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पाद पाद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सिस कर कि कर्म से वे सुखी रह सकेंगे, सकम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्होंने यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। ये भौतिक जगत में सभी दुखी है, वास्तव में ये भौतिक जगत दुख देने के लिए है। भगवान भगवत गीता में कहता है दुखालय मशाश्वतम, ये दुख देने के लिए, उसका हम सुखालय कैसे बना सकते। सरकार ने जेलखाना कैदखाना बनाया कैदी के कष्ट देने के लिए, सरकार ने इतना प्लान किया वह कष्ट देने के लिए, वह कष्ट बगैर संशोधित होकर अभी जेल में जाकर हम उसको सुखालय बनाएंगे, ये तो नहीं सकते। वहां से कैसे निकलना करना, नहीं नहीं हम तो जेल में जाकर उसको अच्छा जगह बना देंगे, नहीं है सकते। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख जन्म मृत्यु जरा तथा वेदी विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है वही भगवान की प्रेम भक्ति में लगता है, फलस्वरूप और वैकुंठ लोग जाने का अधिकारी बन जाते हैं, जहाँ न तो भौतिक कष्टमय जीवन है न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। आपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना, यह अच्छा बात है। आपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान को जान लेना, ये कैसे, किसी को ये उदाहरण पूर्वत का उदाहरण पता है, आपने के स्वरूप को जानना है भगवान को भी जानना है। पूर्वत का उदाहरण किसी को पता है, कोई बोलना चाहते हैं,
पूर्ववत उदाहरण देता है, जिस तरह हम हमारे हाथ को देखते हैं, कैसे देखते हैं, आंखों में से, आंखों से देखते हैं, लेकिन आंखों को देखने के बदले किसके देखते हैं, आलो लाइट, लाइट नहीं होगा हमारे हाथ को नहीं देख सकते, तो हमारे हाथ को देखने के लिए पहले किसको देख रहा है, लाइट, लाइट को देख रहा है, तो लाइट को आलो को नहीं देख के हमारे हाथ को नहीं देख सकते, तो भगवान को समझे बिना हम खुद को नहीं समझ सकते। तो आत्म साक्षात्कार शब्द का अर्थ है हमको समझना, शब्द अर्थ क्या है, अपने स्वरूप को जानने का अर्थ ये है कि भगवान को अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वो अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने के वह अपने आपको प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति पाद पर को चुना लेता है। किंतु जो यह समझती है कि उसकी स्थिति सेवक है, अपने के भगवान की सेवा करना है, वो वैकुंठ जाने को अधिकारी। तो ये जो भगवान का सेवा है इसका नाम कर्मयोग, इनका नाम बुद्धि योग, इसका भगवान, ये कभी गलती नहीं करना है। या क्या क्या है, भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि से कर लेते हैं, जिसे स्पष्ट शब्द में भगवत भक्ति कहते हैं। कितने बार पूर्ववादी शब्द बोलते हैं इसको कर्मयोग, अर्थात जो कर्म के द्वारा भगवान का युक्त होना है वह भक्ति है, और जो बुद्धि से भगवान को भक्ति करना उनमें से बड़ा बुद्धि का क्या हो सकते, इसीलिए कर्मयोग बुद्धि योग और भक्ति योग एक ही बात है। अभी जब इस तरह बुद्धि होगा, हाँ बुद्धि के द्वारा की होते थे वास्तव में हम कहा पड़ा है मोह को लीलम, मोह को लीलम अर्थात ये भौतिक जगत का घना जंगल है। जंगल अर्थात क्या है, जंगल जिस तरह मान लीजिए ब्राजील, ब्राजील में कोई अमेजन फॉरेस्ट लगता है, वो इतना बड़ा फॉरेस्ट है, तो वह अंदर में जंगल में अंदर पहुंच जाओगे वो भारत से बड़ा है, अंदर जंगल इतना बड़ा है, तो भारत एक कोना से दूसरा कोना फ्लाइट में जाने कितने घंटे लगते हैं, तो उस तरह जंगल के बीच में गिर जाएगा वो जंगल से कैसे निकलेगा। तो भौतिक जगत के एक देश का एक जंगल के अंदर गिरने से वहां से नहीं, तो महाकलीला मोह रूप इस तरह जंगल है, ये तो पेड़ पौधा वन का जंगल है, लेकिन मोह रूप भी एक प्रकार जंगल है। मोहर जंगल क्या है, अज्ञान, अज्ञान का जंगल। तो बुद्धि से क्या होता है, ये जंगल अतिक्रम कर सकते, मोह व अज्ञान का, अज्ञान का जंगल हम गिरा हुआ है। जब जदा, जदा तो जब, तदा फिर उदाहरण देकर समझाना चाहता है कृष्ण, कब होगा इस तरह, कब जंगल से मोह से मुक्त हो सकते, बुद्धिर्व्यती तरिष्यति, बुद्धि के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, ये जदाते मोह कलिलं बुद्धि व्यतीत दृश्यति, जब कृष्ण बता ते तुम्हारा, जब तुम्हारा ये बुद्धि योग के द्वारा ये मोहरूप घन जंगल पार कर जाओगे, तदा गंताशी, तब गंताशी वो जगह में तुम जाओगे, कौन जगह जाओगे, इस तरह जगह पहुंचोगे निर्वेदम, निर्वेदम, निर्वेद शब्द यह होता है, निर्वेद शब्द होता है आप कोई जगह, कोई जगह में उसके इतना नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया है, उसका बहुत विरक्त हो गया, उसका कहता है निर्वेद। जिस तरह निर्वेद आचार्य लोग गान लिखते हैं निर्वेदम, ये भौतिक जगत को इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, भगवान आपका चरण कमल से और कुछ नहीं चाहता है, उसके तो निर्वेदम अत्यंत पूर्ण रूप से विरक्त है निर्वेद, तो तथा गंतसी निर्वेदम, तो इस तरह जगह जाओगे इतना विरक्त होगा कुछ भी चीज देगा आने की इच्छा नहीं करेगा। अच्छा नहीं करेगा, नहीं नहीं, सुतुभ्य सुतुष्य, यदि भविष्य में पहले इस तरह की बात सुना है फिर भी आने की इच्छा करेंगे, भविष्य में, भविष्य में इस तरह बात सुनेगा उसके बाद भी आने की इच्छा नहीं करेंगे, इस तरह हो सकते क्या। हाँ ये बोलते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी सघन वन को पार कर जाएगा तो तुम
सुने हुए तथा सुनने योग्य शब्द के प्रति अन्य मनुष्य हो जाओगे। ये बात को फिर थोड़ा ध्यान से सुनना, क्यों इस तरह कृष्ण किसके ऊपर जोर देता है? क्योंकि ये श्लोक, ये जो बुद्धि स्थिर हो जाएगा और नहीं हटेगा, इसको इसको कहता है बुद्धि योग स्थित प्रयोग को। इसको आगे ये श्लोक के ऊपर भित्ति करके आगे वर्णन आ रहा है। तो ये चीज किया है वो समझना और एक बार जरूरी है। तो कहते हैं तुम्हारी बुद्धि ये भगवत भक्ति के द्वारा तुम्हारे एक घन जंगल रूप अंधकार से मोह जब अतिक्रम करके जाओगे, जाने के बाद अतिक्रम करने के बाद यदि कोई बोला अरे तुम ही वन में रास्ते से आया, उधर में बहुत सोना पड़ा था, तब क्या लगेगा? नहीं नहीं चलो चलो जाके लेके आते हैं, नहीं इस तरह की सत यह करो सत सामने सत अर्थात शून्य योग्य के प्रति सामने कोई आदमी आपके सामने बोला अरे सत अर्थात सामने कोई आगे बताएंगे तुम जो जंगल पार होकर आए हैं वो रास्ते में बहुत सोना पड़ा था, जाओ 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 लेके आ जाओ। वो सुनने के बाद नहीं भाई जरूरत नहीं है। और सुतुष्य पहले से सुना था अरे तुम जब रास्ते में जाओगे ना ये जंगल पार करके जाओ ना उसे बहुत सारे तुमको सोना मिलेगा। तो नहीं नहीं मेरा जो सोना जरूरत है मेरे तो जाना है। तो जो सुतुष्य जो पहले सुन चुका है और भविष्य में सुनेंगे वह कोई मोहग्रस्त नहीं होगा। जिस तरह ये हो सकते क्या? हाँ हम सनातन गोस्वामी जीवन में देखते हैं, सनातन गोस्वामी के पास हाँ आप उनका सेवक ईशान के पास कितना सोना था, मोहर था, कितना मोहर था? आठ मोहर, आठ मोहर था। तो उन्होंने वो भुइया भुइया था जमीन का मालिक, वो एरिया का मालिक डाकू, उनको जाके बोला मेरा पास आठ मोहर है, सात मोहर है, क्योंकि सनातन गोस्वामी पता नहीं था आठ के साथ, वो ईशान ने कहा मेरा पास सात है। तो बोले मेरा सात मोहर है। तो उन्होंने कहा हाँ मेरा ज्योतिषी तो पता दिया आपके पास है, मैं आज रात को आपको काट के वो लेने वाला था, आप इतना साधु आदमी आपको नहीं लेंगे। तो सनातन गोस्वामी बोलते आप इसको लेके मुझको बचाइए, आप नहीं लेगा दूसरा जगह उसका गला काट के लेंगे, ये तो मेरा साथ मृत्युवान है उसको मेरे चाहिए नहीं। तो सतवश्य सुतुष्य कोई बोले नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ में आदमी दे रहा हूँ, वो सात मोहर कोई लेगा नहीं, मेरा नाम लेना कोई लेगा नहीं, नहीं भाई वो मृत्युवान में साथ में लेना ही नहीं चाहता हूँ, वो बड़े जरूरी नहीं है। तो इस तरह जो कृष्ण कितना अच्छा उत्तर देते हैं, जो भक्ति जो बुद्धि जो इतना शक्तिशाली इतना बलवान है, यहाँ से केवल ये घन मोहरूप घन अंधकार जंगल के कोई पार करोगे नहीं, पार कर इतने एक जगह में जाओगे कोई भी उधर में आने का इच्छा नहीं करेगा। इसको किया था, इसको भागवत में कौन सा उदाहरण दिया कि पता है? हाँ पता है भागवत में किसके साथ उदाहरण दिया? इसको मौल के साथ उदाहरण दिया। हाँ मौलाबाद उत्तम श्लोक लालसा, मौल त्याग करने के बाद कोई नहीं जाएगा था, चलो देख के आते हैं मौल क्या क्या रह क्या उधर में, कभी नहीं जाते, नहीं नहीं तुम्हारे मौल के साथ यह सोना निकला है, कोई भी कोई जाएगा नहीं देखने के लिए। सतवश तदा गंतसी निर्वेदम, उस तरह जगह जाएंगे निर्वेदम, इतना विरक्त हो जाएगा भविष्य में कुछ सुनने के लिए अच्छा कुछ मिलेगा उसके बाद भी विचलित नहीं होगा, जो पहले सुन चुका है वह से भी विचलित नहीं होगा। तो ये भगवत भक्त के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जिन्होंने भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मांड से विरक्त हो गया। यहाँ समझाने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, इस तरह भक्ति जीवन में होता है। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया माधवेंद्रपुरी का जीवन में, उन्होंने माधवेंद्रपुरी हमारे आचार्य कैसे उन्होंने भौतिक जगत के प्रति अनाशक्त हो गया, बहुत सुंदर श्लोक है। उन्होंने बोलता है संध्या वंदन भद्रमस्तु भगवत स्नान तुभ्यं नमः भो देवा पितरश्च तर्पण विधो नहं क्षम क्षमताम जत्र कापि निषिद्ध जादव कुलोत्तमस्य कंस दिशः स्मारं स्मारं अघं हरामि तत् अलं मन्ये किम् अन्य नमे। हे मेरे
त्रिकाल प्रार्थना हो। ये हो सकते हमको पता नहीं यह त्रिकाल प्रार्थना क्या है, जो बहुत बहुत ऑर्थोडॉक्स जो कर्मकांडी है, सुबह दोपहर शाम जो त्रिसंध्या करती है, उनके लिए त्रिकाल संध्या बहुत उसका सुनना बहुत मुश्किल है। तो वो व्यक्ति के लिए हे मेरे त्रिकाल प्रार्थना तुम्हारा जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण आप में आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूं। अर्थात माधवेंद्रपुरी पहले कृष्ण भक्ति आने के पहले इन्होंने त्रिसंध्या बहुत गहरे से करते थे, तभी बोलता है आपको जय हो मैं नहीं कर पाऊंगा त्रिसंध्या। हे स्नान बहुत बहुत तर्पण स्नान बार करते थे, उनको बोले नहीं हे स्नान तुमको प्रणाम है। तर्पण करता था मुझको असमर्थ हूं, अब तो जहां भी बैठता हूं हाँ यादव कुलवंशी कंस के अंत श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूं, तो मेरे लिए आप लोगों को सेवा करना मुश्किल है, जहां पे जाता हूं केवल मैं कृष्ण को देखता हूं और इस पाप में इस तरह में अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूं। मैं सोचता हूं कि यही मेरे लिए पर्याप्त है और कोई जरूरत नहीं। हे संध्या वंदना भक्त संध्या वंदन हे स्नान हे देवो हे पितृ हे तर्पण विदो नहं क्षम क्षमता मुझको आप लोग क्षमा कर दो, क्योंकि मेरे द्वारा आपको ले आपको लेकर सेवा करना आज संभव नहीं है। मैं कहूंगा आप लोग को शायद भी इस तरह बहुत है, कुछ ना कुछ संस्कार साथ आप लोग भी भारत में भारत के हिंदू घर में जन्म है, कुछ ना कुछ संस्कार जुड़ा हुआ है, लेकिन इस घर में आने के बाद सब छोड़ दिया है, ज्यादा कुछ नहीं हो लेकिन जितना भी था वो भी छोड़ दिया, ये सब कैसे हुआ। वैदिक रस्म तथा अनुष्ठान तथा जता त्रिकाल संध्या प्रातःकालीन स्नान पितृ तर्पण आदि नव दीक्षित के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण के दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त है चूंकि हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्र में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्या तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म के सीमा या वेद तथा उपनिषद की परिधि को भी लांघ जाते हैं। तो ये जो बुद्धि इसका अर्थ है उपबुद्धि क्या हो गया है, बुद्धि स्थिर हो गया है। आगे कोई भी चीज बोलेगा सोना रूपा जो कुछ उनका लालच देंगे नहीं नहीं आप ये करोगे आप स्वर्ग जाएंगे नहीं जरूरत नहीं, नहीं करोगे मुक्ति हो जाएगी जरूरत नहीं, नहीं वैकुंठ जाओगे जरूरत नहीं, भाई कृष्ण के पास जाएंगे और क्या जरूरत है। तो इस तरह कुछ भी चीज उनको विचलित नहीं कर सकते, इसका उसका बुद्धि क्या हो गया स्थिर हो गया। श्रुति विपरीत बनाते ज्यादा स्थाश्यति निश्चला, ये बुद्धि क्या हो गया निश्चल हो गया है, वो बुद्धि और कोई जगह जाते नहीं, इसका समाधो अचला बुद्धि सदा जगम अवशेष। तो जब तुम्हारा मन कृष्ण अर्जुन की कथा इसी तरह जो भक्ति जो करोगे, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाओगी, अर्थात तुम्हारी बुद्धि समाधिस्थ हो जाएगा, तुम्हारे प्रज्ञा ज्ञान स्थिर होगा, तुम समाधिस्थ अर्थात स्थित प्रज्ञ बन जाओगे। कोई समाधि में है, कोई समाधि में है इस कथन का अर्थ है और तो यह होता है कि वह पूर्णतः कृष्ण भावनामय है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया। आत्म साक्षात्कार को सर्वश्रेष्ठ यह जान लेना कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है और उसके एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भावनामय में अपने सारे कर्म करना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के अकनिष्ठ भक्तों को न तो वेदों के अलंकारमय वाणी से विचलित होना चाहिए,
नहीं स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकम कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। प्रभुपाद लास्ट में क्या बोलना चाहते हैं यह सुनने तो बहुत कठिन लग रहा है, कैसे स्थिति प्रज्ञ हो सकते? हाँ, प्रभुपाद ने सरल बात बताते हैं, केवल गुरुदेव का प्रिय बनना चाहिए, बस गुरुदेव के सेवा को संतुष्ट करो तो ये आपसे आप हो जाएगा। ये सुनने के बाद आश्चर्य लगे, इस तरह हो सकते क्या? इतना उदाहरण देने के बाद मन में प्रश्न आ सकते, कैसे हो सकते? उनको जो व्यक्ति है कैसे, लक्षण क्या है? तो अर्जुन ने आगे प्रश्न पूछेंगे, इस तरह जो व्यक्ति ज्ञान स्थिर हो गया है, मोह कलिलम मोह रूप अज्ञान जंगल को पार करके गया और जो कुछ बोलोगे कोई भी विचलित नहीं होगा, जिसका ज्ञान स्थिर हो गया, उनके लक्षण क्या है? किस तरह बैठते हैं, किस तरह चलते हैं, किस तरह बातें करते हैं, कैसे पता चलेगा? ये प्रश्न अगले श्लोक में पूछते हैं, हम काल युवा करेंगे। हरे कृष्ण, और इसको उत्तर भी कृष्ण देंगे। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज वॉइस आ रही है मेरी? महाराज आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से समझाया कि अन्य मनस्क श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। मैं जब ये पढ़ रहे थे तो ऐसा विचार आ रहा था कि ये कैसे होगा, क्योंकि ये जो सिद्धांत है बहुत उच्च स्तर पे है और मेरी स्थिति बहुत निचले स्तर पे है। फिर आपने जो आखिरी लाइन पढ़ी कि कृष्ण और गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा, तो फिर लगा कि इससे जो है ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो फिर ऐसा विचार आ रहा था कि हम इसको समझने के लिए क्या करें कि हम मतलब हमारा आचरण सही दिशा में जा रहा है जिससे गुरु प्रसन्न हो रहे हैं, या फिर हम थोड़ा सा मतलब हमको और क्या करना चाहिए जिससे कि वो प्रसन्न हो, तो इसको हम विश्लेषण कैसे कर सकते हैं, थोड़ा आप इसका बताएं। वास्तव में हमको कोई प्रसन्न करना चाहते हैं तो कैसे पता चले? हम जो बोलेंगे चाहते हैं वो करेंगे, हम प्रसन्न होते हैं। तो उसी तरह कृष्ण गुरु जो चाहते हैं, हमको पास जो चाहते हैं वो करेंगे, खुश हो जाएगा। जिस तरह गुरु महाराज चाहते क्या, सब सुबह सुबह मंगल आरती उठेंगे, हम मॉर्निंग पर गार्डन करेंगे, सोलह माला ठीक से जप करेंगे, अच्छा भक्त बनेंगे, गुरुपाद का वाणी प्रचार करेंगे, बस खुश होगा। ये करने से गुरुदेव नाराज क्यों होंगे? गुरुदेव जो चाहते हैं सब कुछ करेंगे तो गुरु क्यों नाराज होंगे? तो गुरु कृष्ण जो चाहते हैं वो करना है, बस प्रसन्न हो जाएगा। एक पशु भी समझते हैं, जो कुत्ते वगैरह उसका मालिक, मालिक क्या करने से मालिक खुशी देते, पशु भी समझते हैं और उस तरह आचरण करते हैं। जो गुरु महाराज बताते हैं, जो आदमी कुत्ता और अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं ना, जो गलत गलती करते हैं चाबुक लगाते हैं, जो अच्छा करते हैं एक खाना देते हैं। जिस तरह हम शील मछली को खेला सीखे, जो अच्छा करते हैं वो खाना देते हैं, फिर घूम के आते हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है खाना देते हैं, तो वो सोचते हैं वो मछली भी समझते हैं हाँ हमारे मालिक खुश है, इस तरह करने से खाना मिल गया। तो पशु भी समझता है मालिक क्या करने से मालिक खुश होता, आदमी को नहीं समझते है। ठीक है महाराज, ये जैसे महाराज इसमें ऐसे थोड़ा सा ये थॉट आ रहा था कि जैसे कभी कभी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं थोड़ा विचलन आ जाता है, विचलन मतलब ऐसा भक्ति है थोड़ा सा ऐसा हो जाता है तो फिर थोड़ा आगे चला जाता है, तो ये विचलन से हम किस तरह मतलब हम बच सकते हैं, ये मैं इसको पूछना चाह रहा था कि हम उसके कभी कभी प्रश्न है गुरुदेव और कृष्ण का खुश करना है, लेकिन कभी कभी आपको प्रश्न है कभी कभी गुरु का वाणी भी कृष्ण खुश हो रहा है कि नहीं वो भी समझ में नहीं आता है, ये आपको प्रश्न है। तो यदि ये एक तो
सरल चीज है, कृष्ण जो चाहते करना, गुरु जो तो करना है, लेकिन कुछ ना आ सकते। और गुरु क्या करने से खुश होगा आप कृष्ण कैसे, वो भी समझ में नहीं आता है। तब उनका उत्तर है, जो इनको जानते हैं उनको पास सुनना, कोई ना कोई तो जानते हैं कृष्ण क्या करने से खुश होता है, गुरु क्या करने से खुश होता है, तो उनके पास सुन लेना बस। ये मानसिक जल्पना कल्पना करने का कोई स्थान ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू। सनी वैष्णव, हरे कृष्ण महाराज, अंदर प्रणाम महाराज। मेरा एक प्रश्न था, जैसा भी बताया गया कि अच्छे तथा बुरे कर्म दोनों से ही दूर रहना चाहिए अगर इस संसार से मतलब आशक्ति बननी हो तो, महाराज इसको कैसे समझेंगे? अच्छा था ये, और अच्छा था बुरी है ये समझना चाहिए। जो कृष्ण के वो अच्छा बुरे हमारे संपर्कित है, ये मैं करूंगा मैं स्वर्ग में जाऊंगा वो अच्छा, ये मैं करूंगा ये नरक में जाऊंगा, तो हमारे विचार में अच्छा बुरे है। लेकिन वह नहीं देखकर कृष्ण का विचार में, जिस तरह मान लीजिए आप देश का सैनिक है, युद्ध करने के लिए गया है, अभी जो विचार करोगे ना मैं जो युद्ध नहीं करने जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, युद्ध करने मृत्यु हो जाएगा, ये मैं नहीं जाऊंगा, तो विचार करना जरूरत नहीं है। युद्ध करने के जो आपको लीडर के बोले जनरल जो बोला बताए वो करना है, आपका विचार में युद्ध करना अच्छा है कि युद्ध नहीं करना अच्छा है, ये विचार करना जरूरत नहीं है, करना उचित भी नहीं है। जनरल जो बोला वो करना है, तो उस तरह कृष्ण के विचार में जो करना वही करना है, अच्छा बुरे हमारे विचार में करना ही नहीं चाहिए, दोनों ही फेंक देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। विषय के बारे में बता दी, हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम महाराज। आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू महाराज, थैंक यू सो मच। जितना अटूट विश्वास के साथ और जो आपका विश्वास है अनफ्लिंचिंग फेथ, उसके साथ आप हमें जो पढ़ा रहे भगवद गीता, तो मेरा विश्वास तो अभी उतना प्रोसेस पे भी नहीं है, और भगवद गीता पढ़ी जरूर है, पर जिस तरह से आप समझा रहे हैं तो मेरा दिन का ये सबसे बेस्ट टाइम आई कैन से है। थैंक यू सो मच महाराज, आप हम लोग के लिए इतने एफर्ट्स लेते हैं, थैंक यू सो मच महाराज, हमको ब्लेसिंग्स दीजिए। मेरा इंटरेस्ट आया था गुरु महाराज, लॉकडाउन के पहले 3 बार क्लास देते थे, बांग्ला, हिंदी, इंग्लिश, तो गुरु महाराज ने बांग्ला में गीता चालू किया था, इस तरह पढ़ाई किया, तो गुरु महाराज आज जो श्लोक है यहाँ तक पढ़ के खत्म किया था, पता नहीं आगे में क्या बनूंगा, अभी तक जो बताया गुरु महाराज के पास सुना है, इस तरह गुरु महाराज यह ये श्लोक तक गीता पढ़ के बंद करके अमेरिका चले गया था। तो आगे इच्छा करते गुरु महाराज का कृपा से भी थोड़ा बात बताते तो बोलने का कुछ क्या बताएगा। विष्णु प्रसाद को हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम महाराज, नारायण महाराज। मेरा यह प्रश्न था, आपने लास्ट सेकेंड श्लोक में बोले थे कि सारा वेदों का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान श्री कृष्ण सूर्य समान और हम लोग सूर्य किरण के एक कण है, तो सूर्य का जो किरण है वो तो कभी सूर्य के पास वापस नहीं जा सकता ना, क्योंकि सूर्य का किरण तो सूर्य से अलग ही रहता है, तो फिर हम लोग कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? और दूसरा प्रश्न ये भी था महाराज कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप शक्ति का अंश है, तो स्वरूप शक्ति का अंश को माया कैसे जकड़ लेती है, क्योंकि वो तो असंभव है? यही है महाराज, ये दो प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है सूरज का किरण, सूरज का किरण सफलता कब है? सूरज के साथ रहना, जहां पर है वह ही रहना उनके जीवन का सफलता है, वह से विलोप हो जाएगा उनका, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो सूरज का किरण को सूरज के अंदर जाने का कोई जरूरत नहीं है, वह जहां पर है वह ही रहना है, वह ही रहे वही उनके जीवन का सफलता है।
आपको कहना चाहिए सूरज को एक दिन किरण के एक दिन सूरज में जाकर सूरज बनना, वो जरूरत नहीं है। सूरज का किरण जहां पर है वहां रहना है, वहां उनका स्थिति है, वहां रहना है उनका जीवन का सफलता है। वहां से गिर जाएगा वहां उनका जीवन का विफलता है। दूसरा प्रश्न है, भगवान का सर्व शक्ति अंशित किया होता है क्योंकि ये अणु होने के कारण जिस तरह प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक ग्लास जल और समुद्र का जल गुणगत रूप में एक ही है, लेकिन एक ग्लास जल को आप किचन बना सकते, समुद्र का जल को किचन नहीं बना सकते कि परिमाण बहुत ज्यादा है ये परिमाण कम है। इसी तरह आप भगवान, हम भगवान का स्वरूप शक्ति है लेकिन शक्ति का अंश है, लेकिन हम अणु होने के नाते माया के द्वारा फंसने का संभावना है, लेकिन भगवान विभु होने के नाते नहीं होता। जिस तरह पूर्वाधार एक उदाहरण देते हैं, सूरज के द्वारा बादल बांधते हैं, बादल कभी सूरज को नहीं ढक सकते क्योंकि सूरज बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे आग भी सूरज के तरह छोटा है, लाइट है, लेकिन ये इसका साइज इतना छोटे होने के कारण बादल हमारे आग को ढक देते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ। जैसे आपने बोला कि सूर्य किरण में रहना ही हम लोग का वास्तविक स्थिति है, वहां से गिरना ही हम लोग का पतन का कारण है, तो फिर हम लोग सूर्य के किरण में जाना तो निराकारवादी का, ब्रह्म ज्योति में लीन होने का उदाहरण दिया जाता है, तो हम तो भगवान के धाम भगवान के संग जाके ही भगवान को भक्ति करना भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें तो सूर्य में जाना ही होगा। ये वास्तव में उदाहरण का जो उदाहरण जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल रूप लेना चाहिए। जिस तरह मान लीजिए कोई बताए दूध किस तरह है, वो जीवन को दूध देखा ही नहीं है, तो चौक चौक का पाउडर को गोला करके धोला, देखा ये इस तरह दूध है, तो ये दूध दिखाने के लिए पीने के लिए नहीं है। तो उदाहरण का अंश उस तरह समझना चाहिए जो सूरज का किरण किसी हमको दिया है, वास्तव में हम भगवत का धाम में है, भगवान के साथ जीव नित्य, क्योंकि हमारी बुद्धि छोटा होने के कारण हमारे विचार से देखते, अरे भगवान जिसका हमारे देश का प्रेसिडेंट एक जगह रहता है, सात जीवन में एक बार कभी देख नहीं पाता है, भगवत धाम में इतना जीव है कब देखेंगे, और उनके पास प्रेसिडेंट काल में कब जाएंगे। हमारे भौतिक जगत में विचार इस तरह है, चिन्मय जगत में इस तरह नहीं है। चिन्मय जगत में जीव नित्य भगवान के, हर जीव भगवान के साथ में है, तो वो स्थिति है जब वहां नहीं जाएंगे यह से पता नहीं चलेगा। यह से विचार करना है कुआ का मेंढक की तरह होगा, हाँ कुआ का मेंढक सोचते हैं प्रशांत महासागर कितना बड़ा है, तो उनका कुआ का हिसाब से विचार करना चाहिए, 10 गुना 20 गुना 6 गुना, वो नहीं है सर। ये आचार्य का दृष्टि से शास्त्र का दृष्टि से ग्रहण करना चाहिए और पता चलेगा जाने के बाद। जी महाराज, हरे कृष्णा, थैंक यू। श्याम शकर बोल। हरे कृष्ण महाराज जी, दोनों प्रणाम। महाराज जी, ये जो 51 श्लोक में भागवतम का जो श्लोक आया है, इसमें वास्तव में जो श्लोक में ये कहा कि जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है उन्हीं के लिए संसार पद पद पर विपदा नहीं है, तो हम अपनी स्थिति को कैसे टैली करें कि हम हमारी क्या प्रोग्रेस है, हम कहाँ तक हैं, किस लेवल तक है, क्योंकि छोटी मोटी विपदाएं तो आती है तो हमें समझ में नहीं आता कि हमारा लेवल क्या है, हम कहाँ तक। यह इतना पता चला क्या हमें कोई लेवल में नहीं है, गुरु कृष्ण का अहितक कृपा से होगा ही नहीं है, हमें इतना पता चलना चाहिए, इतना पता चलना चाहिए हमें कोई लेवल में नहीं है, हमें केवल गुरु और कृष्ण का अहितक कृपा चाहिए, या कृपा से के हमारी क्षमता से कोई होगा नहीं, कभी इतना समझने से कभी है। थैंक यू सो मच। भगवद गीता यथारूप की जगत के शिल प्रभात जय जनत प्रणाम ने कृष्ण महाराज जी, जन्म प्रणाम।